गाइज वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, लॉन्ग टाइम नो सी गाइज। तो अभी हम लोग क्लास लेके बाहर निकले, ये भाई मेरे साथ अश्वत, और क्लास में बैठे बैठे हमारा प्लान बना कि हम लोग भावलपुर जाएंगे, क्योंकि भावलपुर ना हिस्टोरिकली इज़ अ गुड प्लेस, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत जो हैं किले हैं, शाही किले। अश्वत थोड़ा बताओ यार, मुझे इंट्रो दो जहाँ पे लेके जा रहे हो। भावलपुर नवाबों का शहर है भाई, किले वाबा ही हैं। हमें क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे गर्मी के अलावा? गर्मी तो बहुत है, एक नूर महल जाएंगे। वैसे हम स्पेसिफिकली भावलपुर नहीं जा रहे, सॉरी भावलपुर, हम ढिल्लो, हमारा जो यार है ना अली रजा ढिल्लो, उसके गांव जा रहे हैं। तो रास्ते में भावलपुर रुकेंगे एक रात, वो भी आ जाएगा। ओके आ गया ये ढिल्लो आ गया। और ये भाई हम फैसलाबाद स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाए, और यहाँ पे हमने लेने हैं भावलपुर के टिकट्स। तो भाई हम लोग इधर आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें आगे पता लगा है रेलवे स्टेशन पे कि जो टिकट है ना वो भावलपुर का, वो जो नॉर्मल है ना इकोनॉमी क्लास, वो है 1050, एसी स्टैंडर्ड जो है 1750, और जो एसी बिजनेस क्लास है वो है कितनी हो, 2650 में लगता होगा। तला के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हमारे पास गरीब है, ठीक है, तो हम इसलिए जो है ना इकॉनमी में जाएंगे अपना सामान संभालते हैं। ना हम बस अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते यार, फिलहाल तो है यही है। चलो 9 बजे के टिकट हो चुके हैं हमारे, तो हमारा ये बंदा लेके आ गया टिकट दिखा। नहीं यार टिकट तो अच्छी है, लेकिन कोई नहीं यार, हमारे भी धन आएंगे, हम भी जहाज पर जाएंगे, क्यों ढिलो। हमारे नहीं मतलब मेरे गरीब होने की वजह एक ये बनी है कि भाई मैंने अपने भाई का आज काम करवाया, उसमें मेरे अच्छे खासे पैसे ठुक गए हैं, और ये भाई पता नहीं क्यों गरीब है, मुझे नहीं पता, और दूसरे बंदे को मैं बीच में शामिल करूंगा ही नहीं, वो बेचारा सदा का गरीब है। मैं शुद्ध गरीब हूँ, ऐसा नहीं था कि पहले मतलब मैं गरीब हुआ, मतलब पहले बाप गरीब, दादा गरीब, उसका बाप गरीब, शुद्ध गरीब। ठीक है, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, सब गरीब, बीवी जो लोग वो भी गरीब, बच्चा भी गरीब, जाहिर है। चलो यार चलते हैं, जब वापस टिकट लेके फ्लैट, और वहाँ जाके सामान सामान कोई हल्का फुल्का उठा लिए। वी गॉट अस आवर सेल्व्स अ न्यू फ्लैट। यस वी गॉट आवर सेल्व्स अ न्यू फ्लैट। तो बल्कि पिछले व्लॉग के बाद ये दूसरा फ्लैट है, एक और भी हमने लिया था, वो व्लॉग में आया नहीं कभी शायद, उसका हमने कोई व्लॉग बनाया नहीं है। तो ओके बाय गाइस, बाय बाय। भाई हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे बैठ के हम वेट करें घंटा, पर वो सानू जो है ना चार्जिंग बूथ लगा हुआ है, आई डोंट नो किसकी तरफ से हम वहाँ पे जाके चार्ज करेंगे अपना फ़ोन, क्योंकि रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पे ना दरवाज़े कुछ जो हैं वो डिफरेंट हैं, दो तरह के दरवाजे लगे हुए हमारे स्टेशन पे इधर, तो मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़े, देखें पहले। एक दरवाज़ा जो है वो इस तरह वी शेप में बंद होते हैं, ठीक है, ये जिस तरह खुला हुआ है दरवाज़ा, ये देखें,
यहाँ से एक साइड से बांधेगी दोनों इस तरह बांधेंगे, और दूसरा दरवाज़ा जो है वो सिंपल प्लेन दरवाज़ा है, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इसके पीछे साइंस क्या है इन दरवाज़ों के पीछे, ऐसा ज़रा तुम मुझे एलाब्रेट करो यार। देखो हवा के लिए तो ये होने नहीं लगे यार, गल सुन मेरी, देखना हूँ आप वी शेप च बने हैं, ठीक है, जिस है। सीधा इसका प्लेन बने होंगे सीधी हवा जानी है वो तो चलो ठीक है, वे जानी देनी ठीक है, ठीक है, जी इदा लंघ जानी हवा साइड तो लंघ जानी, वी शेप तम बनाई है गोरे दे दौर दा बनया ते गोरा कोई काम फजूल नहीं करदा इहदे, मगर कोई ना कोई साइंस ते है ही है, साइंस जो है। अच्छा ठीक है, हवा भावें मेरे वाली साइंस ना आवे कोई होर होएगी, हवा की जरूरत क्या एसी लगा लिया दरवाजे ऐसे रखने में, ठीक है, फिर इनका हो गया बजट काम, इसलिए हमने एक दरवाजा सीधा लगाया, मतलब रखनी क्यों सी, देख ले बाकी सारे दरवाजे जो बी शेप में, एक ये वाला दरवाजा सेट है, ये मुझे लगा है गपला किया किसी बंदे ने, इसलिए लकड़ी का जो है ना काट के छोटा किया है, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं यार काट जी जा रहे हैं, गांधी जी जा रहे हैं वो देखे गांधी जी जा रहे ओके गाइस हमारी ट्रेन आने वाली है, और टाइम हो चुका है हमारा तकरीबन पूरा 9 बजने का, तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, ट्रेन में मिलते हैं। किधर लिखा हुआ, हाँ ये इन्होंने लिखा हुआ है आसिम मुनीर भाई, यहाँ पे हमारे कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर भी कुछ लिखा हुआ था, मैंने देखा था, हाँ। जनरल आसिम मुनीर फैसल नसीर, ठीक हो गया नगमा, हाँ वही वाला ओके हो गया, पाक फौज ओके जिंदाबाद, ठीक है भाई, ठीक है ओके भाई, अब हम आपको मिलते हैं ट्रेन के ऊपर, अल्लाह हाफिज़। भाई वो भी नीचे करूँगा, ये बारी है हमारे अशोक भाई की, गुड जॉब अशोक, गुड जॉब, शाबाश, इस तरफ ना गिरा, पीछे ले आके जाना, मैं बिल्कुल अभी सोया हुआ उठा हूँ, और ये मुल्तान में हम ट्रेन जो है हमारी रुकी हुई है भाई, यहाँ पे मैंने दिलों को भेजा हुआ है, मैंने कहा यार एक कोक और साथ जो है ना लेस लेके आ जाओ, और इन्होंने कोक लिया एक लीटर वाली, लेस नहीं है 60 वाले, जो 60 के नहीं मिले इनको, और 3-4 निम्को नहीं होंगी, और अगले बंदों ने कहा कि 500, वो खोल के 500 भाई क्या मतलब 500, खैर चलो भाई मेरा यही मशवरा है कि जब भी आप ट्रेन पे बैठे पहले तो आप ट्रेन पे मत बैठे, लेकिन जब आप गलती से आप ट्रेन पे बैठ जाएँ तो अपना खाने पीने का साजो सामान साथ लेके बैठे, मेरी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे जैसा गरीब बंदा क्या करेगा। ट्रेन खराब होने की सूरत है, ट्रेन को धक्का लगा रहे, चलो जी स्टार्ट होगी। ओके गाइस तो हम पहुंच चुके हैं बहावलपुर स्टेशन, फाइनली ट्रेन ने स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ ली थी, वो तो नहीं आए होंगे, ट्रेन ने स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ ली थी इस वजह से हम जो है जल्दी उतरे। ओ नाइस, ट्रेन स्टेशन बड़ा प्यारा है, मैं आपको ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, ओ यार रात का टाइम है, आई डोंट नो कैसा रहेगा, लेकिन ये देखने में ना इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये प्रॉपर जो है पुराने किसी महाराजे की ज़माने की जिस तरह बिल्डिंग होती है वैसी बिल्डिंग है, और बहावलपुर वैसे भी मशहूर जो है वो नवाबों की वजह से है, नवाब बहावल किधर गया, मेरे बंदी गायब हो गया, मेरे भाइयों की तरफ गया था, पूरी सिटी पहुंच चुके हैं बहावलपुर, नवाबों की सिटी, हर बिल्डिंग ऐसी है यार, ये बहुत प्यारी, अब कैमरे में पता ही नज़र आ रही है नहीं आ रही, बट दिस बिल्डिंग इज़ सो ब्यूटीफुल यार,
और लेट्स सी हाउ इट गोज। आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा आर्किटेक्चर यार, वेरी नाइस। टिकट की कार चला बावलपुर एंटर होते ही पहली बिल्डिंग जो है वो इतनी प्यारी लगी है ना मुझे। बावलपुर जो है ना दिल खुश कर देते हैं, बड़ा साफ सुथरा शहर है। साफ सुथरा बचपन से आ रहे हैं फिलहाल कह तो सकते हैं, लेकिन यार ये बिल्डिंग बहुत प्यारी है, मुझे इस बिल्डिंग के कुछ शॉट्स लेने हैं। ये बनाई किसने थी, कब बनी है? ये रिसेंटली बना है, ये वाला रिसेंटली बना, लेकिन यार बहुत अच्छा बना है। इसको पिलर में शायद नहीं उड़ा था, बहुत अच्छा बना यार, बहुत अच्छा। लेट मी शो यू। अच्छा तो मुझे अभी अभी ना थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता चली है इसकी, कि ये किस चीज से इंस्पायर होके जो है इन्होंने रेलवे स्टेशन ऐसा बनाया। तो असद बदार था बेसिकली, जो यहाँ पे नूर महल है ना वो भी आई थिंक किसी नवाब का महल था, मुझे नाम नहीं पता। नवाब सादिक ने अपनी नूर महल की हिस्ट्री वैसे हम आपको कल बताएंगे गाइड के थ्रू प्रॉपर। यस ओके ओके। नवाब वैसे वो नवाब सादिक ने अपनी बेगम के लिए बिल्ड कराया था, जो कि इंग्लिश क्वीन थी, और उन बेगम ने वो महल रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मतलब वो उनके स्टैंडर्ड्स का नहीं है। स्टैंडर्ड्स का तो था, लेकिन नूर महल से ना कब्रिस्तान नजर आता था। जिनके लिए उन्होंने नूर महल बनाया था, और विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर भी जो है ना, इसीलिए वो भी अगर हमें रास्ते में नजर आए तो हम वो भी देखेंगे, कल दिखाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ ऐसे सामने, सुबह मिलते हैं, बाय बाय। ओके तो भावलपुर है ना बेसिकली, सॉरी दोबारा वापस आने के लिए, ठीक है हम जा रहे थे, लेकिन अचानक बातें करते हुए असद ने मुझे बताया कि यहाँ पे ना 3 से 4 से 5 से कितने महल हैं यार? मैंने जो देखे हैं 4 हैं, एक दरबार महल है आर्मी के अंडर है, गुलजार महल है आर्मी का गेस्ट हाउस है इस टाइम, ठीक हो गया। नूर महल जिंदाबाद पब्लिक के लिए जिंदाबाद, नूर महल पब्लिक के लिए ओपन है, और एक सर नवाब सादिक पैलेस है, वो जो है ना वो बड़ी बुरी हालत में, मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट एट ऑल, और खंडर बने हुए हैं वो, लेकिन वो सबसे बड़ा पैलेस है भावलपुर का। ये हम जो है असफ़त की शॉपिंग करने हैं, क्योंकि असफ़त जो है ना अपनी जूतियाँ फैसलाबाद बोला है, तो हम बाटा स्टोर पे हैं यहीं पे, और इसके जो है ना हम जूतियाँ पसंद कर रहे हैं, जूतियाँ से ले ली हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान आई थिंक नूर महल का। ओके भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि अब क्या आप कहीं और चलते हैं जहाँ भी आपका दिल करे, जहाँ पे आप जो जगह अच्छी है वहाँ पे ले चले, कोई मसले बाकी तो ये रोडें मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। वो दिखा के लाते हैं, क्या नाम है उसका, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह, चलो उधर चलते हैं। यार हम लोग नूर महल के गेट के सामने से ना हम वापस आ गए, क्योंकि हमारे भाई असवद ने ना शॉर्ट्स पहने थे, शॉर्ट्स आरेंट अलाउड इन द नूर महल, तो वापस जाके शॉर्ट्स पहन के आना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है लेकिन मुश्किल हो जानी है। तो अब हम ये कह देंगे कि सुबह फर्स्ट टाइम नूर महल जाएंगे थोड़ी रोशनी में, ताकि हम उसकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ और उसके शॉर्ट्स ले सकें। हाँ जाहिर है, और क्या पता अभी रात के टाइम आई थिंक ओपन भी है या नहीं है, इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब हम ये करेंगे किसी कैफे शैफे पर जा रहे हैं, वो भी डिसाइड कर भी कन्फर्म है, तो और लग रहा हमारा पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं घोड़ा चौक भावलपुर, और ये
यहाँ के जो है पकौड़े बड़े मशहूर हैं। कौन से वाले अंकल जी? मकबूल अंकल के? नहीं, ये वाले। ये चलो जी, क्या बात है, जन्नत भी आ गया सर तुम्हारे मेरे लिए। ये भाई तो भाई अब हम रिव्यू लेंगे पकौड़ों का। हाँ तो भाई बता पकौड़े कैसे हैं भाई? तूने रिव्यू करना है, मैं नहीं कर रहा। नहीं बता दे रिव्यू, रिव्यू में तो बड़ा अच्छा है यार। पकौड़े बिल्कुल पकौड़ों की तरह लग रहे हैं भाई, बहुत मज़े के। हर चीज़ बड़ी मुनासिबत, मसाला कलंक मसाले हर चीज़। पहली दफ़ा पकौड़े पकौड़ों की तरह कितना लग रहे हैं? पहली दफ़ा पकौड़े पकौड़ों की तरह लग रहे हैं। पकौड़े खाया करो ना। मेरी भाई क्या कर रही है यार? भाई हमारी ना गाड़ी स्टार्ट ही हो रही है। और भाई ये एक और जगह है सादिक दही भले, ये यहाँ के दही भले जो है ये भी बहुत मशहूर है और हम ट्राई करने वाले हैं। बड़े बहुत अच्छे हैं। और तो भाई स्टोरी गोल्स लाइक दिस के ये जो रोडे हैं ना, ये वो रोडे हैं जहाँ पे नवाब सादिक ने ना जब वो इंग्लैंड गए थे, आई थिंक इंग्लैंड ही गए थे, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं स्टोरी देख के कंफर्म करूँगा। लेकिन ये था कि रोज़ राइस के जो है ना वो गए थे शोरूम में, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ना रोज़ राइस की टेस्ट ड्राइव चाहिए। आ गया रोज़ राइस की ना मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। फिर भाई शोरूम वालों ने कहा कि भाई नहीं, माजरत है बहुत बहुत, आप जैसे बंदे को आप जो है ना गाड़ी भी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे वापस आए अपने जो है बहुत अच्छे से लिबास में नवाबों वाले, और उन्होंने कितनी गाड़ियाँ ली थी रोज़ राइस? आई थिंक 10-12 गाड़ियाँ रोज़ राइस की ली थी, और अच्छी खाली खासी महंगी गाड़ी थी। और उस गाड़ी को जो है ना उन्होंने इन रोडों पे ऐसा कह लो कि झाड़ू फेरने वाली नहीं होती, पीछे उनके झाड़ू बांधे आगे भी झाड़ू बांधे, और वो इन रोडों पर चला दी। और ये रोडें अभी तक साफ हैं, कब से लेके आज तक, ठीक है, नॉट इन अ सार्केस्टिक वे, लेकिन लिटरली ये रोडें बिल्कुल साफ है यार। पूरे पाकिस्तान में बहुत साफ सुथरा शहर है बहावलपुर, बहुत ज़्यादा। खैर नवाबों का शहर है और लोग भी अच्छे हैं सब। और ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं खाने पीने में और देखिए हम क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि पेट बहुत फुल है, बहुत कुछ खाया है। दुआ हम जा कहाँ रहे हैं? नेशनल हाईवे जा रहे हैं। इधर आ रहे हैं जाना है ऐसे ही गेड़ी मार रहे भाई। खैर अब नूर महल की एंट्री तो हो ही नहीं थी हमारी, तो सिटी में हम गाड़ी शाड़ी घुमाते रहे, घूमते फिरते रहे सारी तरफ। अब हम आए एक जगह पे, यहाँ पे हमने डिनर लेके आया साथ के भाई, हमने पिज़्ज़ा खाना। ऑल दो खाना ठीक था यार, खाना खा लेते कोई मसला नहीं था, लेकिन जगह बहुत प्यारी है यार, एक सो एस्थेटिक, और बहुत प्यारी फ़ोटोज़ भी आ सकती हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी वीडियोज़ भी आ सकती हैं। तो इस जगह का ना मैं आपको जो है ना एक छोटा सा लुक वो देता हूँ, टूर देता हूँ।
ओके भाई। ये हमारे भाई दोबारा बाटा के स्टोर पे नंगे पाँव खड़ा है क्योंकि इसकी जूती टूट गई है एक दिन के अंदर। तो यार हम जा रहे थे लाल छोनरा पार्क, इधर भावलपुर के पास ही सफारी पार्क है, और गाड़ी ख़राब हो गई है जो मुझे लगता है प्लान क्या Thank you.